नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कोरोना के बढ़ते संकट को लेकर महाराष्ट्र में 15 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है और कठोर नियमावलियों के साथ साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 5,476 करोड़ रुपए के निर्धारित पैकेज की भी घोषणा की है। इस पैकेज के माध्यम से करीब 1,01,00,000 श्रमिकों व आदिवासी परिवारों को प्रत्यक्ष आर्थिक मदद दी जाएगी। राज्य सरकार के इस पैकेज में गरीब व श्रमिक वर्ग का काफी ध्यान रखा गया है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अचानक घोषित किए गए लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार श्रमिकों और गरीब वर्ग को झेलनी पड़ी थी और मुंबई से बड़े पैमाने पर श्रमिकों का पलायन हुआ था। पलायन करने वाले श्रमिकों में प्रवासियों के साथ साथ महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के श्रमिकों की भी बड़ी संख्या थी। मुख्यमंत्री ठाकरे द्वारा घोषित पैकेज में प्रदेश सरकार के निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण योजना के तहत पंजीकृत 12 लाख श्रमिकों, 25 लाख घरेलू श्रमिकों में से प्रत्येक को 1,500 का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। 5 लाख फेरी वालों तथा 12 लाख रिक्शा चालकों के खातों में सीधे 1,500 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। आदिवासियों का 1,00,000 से 4,000 का अनुदान रोक रखा है और अब प्रदेश के 12 लाख आदिवासी परिवारों को प्रति परिवार 2,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाए। प्रदेश में 5 पेंशन योजनाएं, संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन व श्रावण पात्र पेंशन के 35 लाख लाभार्थियों को 2 महीने की 2,000 रुपए की अग्रिम पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। पेंशन योजनाएं जो केंद्र सरकार की हैं, उसी में एडवांस देने की बात की गई है। अन्य सुरक्षा में 1 करोड़ लोगों को फायदा मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलेगा क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। इसके अलावा शिव भोजन थाली योजना के तहत हर दिन प्रदेश में 2 लाख लोगों को 1 महीने तक निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। अन्य सुरक्षा योजना के 7 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल 1 महीने निःशुल्क दिया जाएगा। पैकेज में 3,300 करोड़ रुपए का प्रावधान कोरोना के इलाज, उपकरण खरीद, सुविधाएं विकसित करने व अन्य व्यवस्थापन के लिए किया गया है। कुल मिलाकर ये लॉकडाउन आम लोगों के लिए तकलीफ दे होगा, ऐसा विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस का कहना है। लेकिन वे भूल गए हैं केंद्र सरकार द्वारा जब पहला लॉकडाउन जनता के हित के लिए लगाया गया था तब क्या स्थिति बनी थी। सरकार की ओर से कल जो लॉकडाउन घोषित हुआ है उसमें सरकार ने जो पैकेज दिया है ये एक प्रकार से बरगलाने वाली बात है, क्योंकि सरकार ने 3,300 करोड़ रुपया कोविड से युद्ध के लिए जो कुछ आवंटित किए हैं ये रेगुलर बजट में जब बजट अनाउंस हुआ तब का पैसा है जो 1 साल में इस्तेमाल होने वाला है। लॉकडाउन के समय जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है और उसका कोई रोड मैप ये सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। इसके साथ साथ सरकार ने आदिवासियों को जो 2,000 रुपये देने की बात की है, पिछले साल से जो उनका 4,000 रुपये का अनुदान है उसको सरकार ने रोक के रखा है पिछले 1 साल से और अब 2,000 रुपये देने की बात हो रही है। जो अलग अलग पेंशन्स की बात सरकार ने की है, सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रही है। जो केंद्र सरकार से पेंशन आती है उसको ही हम एडवांस में देंगे, इतना ही सरकार ने यहाँ पर कहा है। या फिर जो अन्न सुरक्षा में आते नहीं लेकिन गरीब है ऐसे 1 करोड़ लोगों को अनाज ये देना चाहिए, लेकिन उसके बारे में सरकार की ओर से कुछ भी कहा नहीं गया है। स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में हम 1,500 रुपया देंगे ऐसा कहा है, लेकिन उसमें भी जो पहले केंद्र सरकार की 10,000 की योजना थी उसका लाभ हो या फिर अभी जो योजना घोषित की है इसका लाभ हो, ये बहुत सीमित ऐसे लोगों तक पहुंचने वाला है क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो कुल मिलाकर लॉकडाउन के नाम पर महाराष्ट्र में सरकार ने जिस प्रकार से लोगों को और अलग अलग घटकों को मदद करनी चाहिए थी कोई मदद सरकार की ओर से नहीं की गई है, इसका बहुत गलत परिणाम महाराष्ट्र की जनता पर होगा। लॉकडाउन करने की भले ही आवश्यकता हो या कड़े अनुबंध लगाने की आवश्यकता हो लेकिन उसके साथ साथ मदद करना ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार इसमें पूरी तरीके से फेल हो गई है। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए अचल न्यूज़।